गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 धातु तथा धातु में धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बताएंगे, या इसमें सबसे पहले हम अयस्कों का सम्बद्धीकरण पढ़ेंगे। अयस्कों का सम्बद्धीकरण है क्या? अयस्कों से अनावश्यक पदार्थों का पृथक्करण अयस्कों का सांद्रण कहलाता है या सम्बद्धीकरण कहलाता है। अयस्कों से गैंग हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। गैंग क्या होता है? मिट्टी, कंकड़, बालू आदि को अलग करना क्या कहलाता है? अयस्कों का सांद्रण। अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर अयस्कों का सांद्रण निम्न विधियों से किया जाता है। सबसे पहली विधि है सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण। वे धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु को दूर किया जाता है। उदाहरण सिनेबार, कॉपर ग्लास। सिनेबार की बात करें, सिनेबार मरकरी का अयस्क है। इन्हें वायु में गर्म करते हैं, जब हम मर्क्यूरिक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सेकंड है कॉपर ग्लास। जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो यह आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। देखिए, जब कॉपर ग्लास को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब हम इसे कॉपर सल्फाइड के आंशिक रूप से गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। प्रकृति में कुछ धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें निम्नलिखित विधि द्वारा अलग करते हैं। पहला है भर्जन। भर्जन है क्या? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। जैसे कि जब हम जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा है हमारा निस्तापन। निस्तापन क्या है? जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति है यहाँ अनुपस्थिति है, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे निम्न ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखो भाई, जिंक कार्बोनेट है, यहाँ क्या यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन दिखा रखा नहीं, तो हमारा जिंक कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हम बात करते हैं थर्ड, अयस्क ऑक्साइड का अपचयन। यह धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह ऑक्साइड को गर्म करके की जाती है। जब जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ, कार्बन ये कोयला है, जब कोयले के साथ गर्म करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को आपको याद करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।